नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाई कोर्ट का वकील होने के नाते आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और वो इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और उस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कोई केस की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, पुलिस का कोई केस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या जॉब लगेगी? क्या आपका करियर इसमें सक्सेस हो पाएगा? क्या आपका करियर इसमें बर्बाद हो सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर? तो ऐसे ही कई सवाल रहते हैं अगर जिनके ऊपर कोई केस वगैरह लग जाता है, कोई पुलिस केस वगैरह हो जाता है। तो दोस्तों, इसी डर को मैं इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ, और मतलब वो सभी कंडीशन बताने वाला हूँ कि कौन सी कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता रहती है और कौन सी कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मतलब निश्चिंत होकर रह सकते हैं और आपकी जॉब 100% लग जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ, और ये वीडियो कभी ना कभी किसी न किसी के तो काम आ ही जाता है, और किसी के अगर काम आए तो इसको मतलब शेयर कर दीजिए। आप किसी न किसी का भला हो सकता है इस वीडियो को देख के। तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगा। तो मेन टॉपिक ये है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उस कंडीशन के अंदर अगर कोई केस लग जाता है, पुलिस केस हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी रिपोर्ट कोई दर्ज करवाता है आपके खिलाफ, अगर आप कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में कोई गवर्नमेंट जॉब की जैसे तैयारी कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में कोई मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज करवा देता है आपके ऊपर, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि रिपोर्ट दो तरीके से दर्ज की जाती है पुलिस में, NCR और FIR। आप सब लोग FIR के बारे में जानते हैं पर NCR के बारे में नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि NCR हो या फिर FIR हो, दोनों रिपोर्ट ही होती है, पुलिस रिपोर्ट ही होती है जहाँ पे दर्ज करवाई जाती है। तो NCR तो दर्ज करवाई जाती है, नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस जो अपराध होते हैं उनमें दर्ज की जाती है NCR। जो कॉन्जिबल ऑफेंस होते हैं, वो जो संज्ञेय अपराध होते हैं, उनमें FIR दर्ज की जाती है। तो यहाँ पे मैं NCR हो या फिर FIR हो, अगर वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है आपके खिलाफ थाने के अंदर, तो उसकी सबसे पहले आपको कॉपी निकलवानी है। वो कॉपी आप थाने से भी निकलवा सकते हैं, या फिर वहाँ से नहीं निकल रही है तो वो कॉपी आपको मतलब कोर्ट के माध्यम से भी वकील के द्वारा आप निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस जो भी रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी कॉपी निकलवा लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ NCR दर्ज हुई है या फिर FIR दर्ज हुई है। तो NCR तो नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें दर्ज होती है, जैसे आपने किसी को गाली गलौज निकाल दिया, किसी के साथ हल्की फुल्की मारपीट कर दी, किसी को मतलब कोई धमकी वगैरह दे दी, तो ऐसी कंडीशन में NCR दर्ज होती है। तो अगर आपके खिलाफ कोई NCR ऐसी कंडीशन में दर्ज हो जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है? अगर किसी वादी पक्ष ने, जिसने मतलब आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने कोर्ट से 155-2, यानी कि 155-2 का जो आदेश होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है कोर्ट का, तो यानी कि कोर्ट के कहने पे पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है NCR के अंदर भी। अगर वादी पक्ष ने 155-2 का आदेश नहीं करवाया है कोर्ट से, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं हो रहा है, 155-2 का आदेश नहीं हुआ है, तो NCR अगर कोई रिपोर्ट है आपके खिलाफ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जॉब में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, यानी कि जॉब आपकी फ्यूचर के अंदर लग जाएगी। तो इसलिए NCR अगर कोई रिपोर्ट है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई FIR दर्ज है आपके ऊपर, तो FIR किन कंडीशन में दर्ज होती है? वो होती है कॉन्जेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के अंदर। जैसे आपने किसी के साथ जबरदस्त मारपीट की है, यानी कि कोई धारदार हथियार वगैरह से उसको जख्मी कर दिया है आपने पूरी तरह से, या फिर उसका अपहरण कर लिया है किसी का, यानी कि किडनेपिंग वगैरह कर ली है, या फिर उसको मतलब जान से मारने की कोशिश की है आपने, तो ऐसे ही जो संज्ञेय अपराध होते हैं, यानी कि जो त्वरित कारित करते हैं, यानी कि अटैक किया है आपने किसी के ऊपर पूरी तरह से, और वो मतलब एक
उसके प्राण वगैरह निकलने की कंडीशन में हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, यानी कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप पे मतलब घबराने का थोड़ा डर हो जाता है इसमें, यानी कि आपकी जॉब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे केस क्या है कि ये कोर्ट तक ये केस चले जाते हैं और ये केस लंबे चलते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर वादी पक्ष क्या करता है कि आपके खिलाफ केस करके कोर्ट तक ले जाता है, तो कोर्ट में अगर केस जाता है तो लंबा चलता है और आपका पूरा रिकॉर्ड थाने के अंदर सेव हो जाता है। और जब भी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, जब भी आपका जॉब लगता है, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। तो एफआईआर में यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता होती है, और एफआईआर में भी कब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी एफआईआर का समाधान अगर थाने तक ही सीमित हो जाता है, थाने में ही अगर राजीनामा वगैरह हो जाता है, वहीं पे आपकी एफआईआर का रफा दफा हो जाता है, आपकी एफआईआर को वहीं पे मतलब ख़त्म कर दिया जाता है राजीनामे के द्वारा, तो आपको घबराने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम वगैरह काट दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैसे आपकी जॉब लग जाएगी अगर एफआईआर भी हो जाती है तो। और अगर केस अगर लंबा चला जाता है एफआईआर में, अगर पुलिस चार्जशीट वगैरह पेश कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जॉब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपकी जॉब लगना मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो ये एक बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें, तो ये यहाँ पे घबराने की आवश्यकता हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी होती इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अपने सेकंड चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।